प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कोटा संभाग के 3 जिलों कोटा, बारा और झालावाड़ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जगह ऑरेंज और 8 जगह येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 21% से ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में आमतौर पर मानसून सीजन में 1 जून से 3 अगस्त तक 231.3 mm औसत बरसात होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 280.6 mm बरसात हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के हालात देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर के एरिया में 1 से 3 इंच तक बरसात हुई। जैसलमेर के सम एरिया में 24 mm बरसात के बाद रेगिस्तान में कुछ जगह पर पानी का झरना बहता नजर आया। सुनिए मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने क्या कुछ कहा। आज दिनांक 4 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक भारी बारिश के सिस्टम की। सबसे पहले नजर डालते हैं ये वर्तमान सैटेलाइट पिक्चर पर, तो आप देखेंगे कि फिलहाल एक डीप डिप्रेशन सिस्टम यानी कि अत्यंत गहरा कम दबाव का क्षेत्र आप सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और जो आसपास के इलाके हैं इनके ऊपर फिलहाल बना हुआ है, और इस सिस्टम के असर से लगातार जो है वो MP और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है। दूसरा एक सिस्टम लो प्रेशर एरिया जो है वो साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर और बाड़मेर। आज दिनांक 4 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक भारी बारिश के सिस्टम की। सबसे पहले नजर डालते हैं ये वर्तमान सैटेलाइट पिक्चर पर, तो आप देखेंगे कि फिलहाल एक डीप डिप्रेशन सिस्टम यानी कि अत्यंत गहरा कम दबाव का क्षेत्र आप सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और जो आसपास के इलाके हैं इनके ऊपर फिलहाल बना हुआ है, और इस सिस्टम के असर से लगातार जो है वो MP और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है। दूसरा एक सिस्टम लो प्रेशर एरिया जो है वो साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास में पिछले 24 घंटों से ही बना हुआ है, और इसके असर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है। बात करें यदि इस डीप डिप्रेशन सिस्टम की, तो ये सिस्टम जो है वो पिछले 24 घंटों में झारखंड के ऊपर बनकर लगातार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, और फिलहाल मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर अभी भी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में है। अगले 24 घंटों में ये सिस्टम लगातार जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा, और इस सिस्टम के अगले 12 घंटों में डीप डिप्रेशन से एक स्टेप नीचे यानी कि डिप्रेशन की कैटेगरी में बनने की संभावना है। अब बात करें यदि बारिश की, तो इस सिस्टम का जो असर है वो अगले 24 घंटों के दौरान जो है वो खासकर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। विंड पैटर्न की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि जो डीप डिप्रेशन सिस्टम फिलहाल MP के ऊपर बना हुआ है, एग्जैक्टली इसी रीजन के ऊपर में इसी सिस्टम का जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड एंड अपर ट्रोपोस्फेयर तक एक्सटेंडेड है। और अब बात करें यदि इस सिस्टम के असर से बारिश की, तो आप देखिए अगले 24 घंटों के दौरान जो भारी बारिश का जो दौर है वो खासकर कोटा संभाग, इसके अलावा जो उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के इलाके हैं इनमें आज 4 अगस्त को यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान 4 अगस्त को दोपहर बाद शाम के समय और 4 अगस्त की रात्रि के समय भी आप देखेंगे कि रुक रुक कर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश का जो दौर है वो खासकर कोटा संभाग के जिलों में, इसके अलावा उदयपुर संभाग, इसके अलावा जो भीलवाड़ा, अजमेर और आसपास के जिले हैं इनमें इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 24 घंटों के लिए खासकर जो कोटा संभाग के जिले हैं झालावाड़, बारा और कोटा जिलों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भीलवाड़ा, उदयपुर, इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो इलाके हैं इनमें भी अति भारी बारिश यानी वेरी हैवी रेनफॉल अप टू यूं कह सकते हैं कि 100 से 200 mm के बीच में रिपोर्ट होने के लिए काफी संभावनाएं बनी हुई है। वहीं जयपुर और भरतपुर डिवीजन की बात करें तो जयपुर और आसपास में भी जो है वो दोपहर बाद शाम के समय कुछ स्पेल्स मध्यम से तेज दर्जे की बारिश के अगले 2 दिन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यदि देखें तो ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो कमजोर तो होगा, बट इस सिस्टम का जो मूवमेंट है
वो आप देखेंगे कि 5 अगस्त को ये सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के यानी जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग की तरफ में आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में सिस्टम का जो जो भारी बारिश का जो जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ शिफ्ट होगा। खासकर यदि देखेंगे 5 अगस्त को तो ये नागौर, इसके अलावा जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के जो दक्षिणी भाग है यानी कोलायत और जो खाजूवाला की तरफ के जो इलाके हैं, इनमें एक बार फिर 5 अगस्त को कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो एक बार फिर से देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियों में 5 अगस्त को जरूर कमी होगी। अब बात करें यदि जिलावार चेतावनी की, तो आप देखेंगे अगले 24 घंटों के लिए यानी 4 अगस्त के लिए जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका है यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी और कहीं कहीं वेरी हेवी रेनफॉल होने के चांसेज है। वहीं ये जो पूरा बेल्ट है, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर का इलाका, इनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर देखें टोंक, अजमेर और जो जयपुर, नागौर का जो इलाका है इनमें अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है यानी यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर और जो आसपास के जो इलाके हैं इनमें भी मध्यम से तेज बारिश जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में होने के चांसेज हैं। 5 अगस्त को देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो जो ऑरेंज और रेड कलर का जो जोन है आप देखिए कि ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है जैसे मैंने बताया। तो जो वेरी हेवी रेनफॉल के जो क्षेत्र रहेंगे या खासकर जो जिले हैं वो जोधपुर, पाली, इसके अलावा जो नागौर, इसके अलावा जो बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर की तरफ के इलाके हैं इनमें वेरी हेवी रेनफॉल होने के चांसेस 5 अगस्त को रहेंगे। इसके बाद 6 अगस्त को देखिए जरूर ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होगा लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर जो है वो 6 अगस्त को भी जारी रहेगा। तो इस दौरान जोधपुर, नागौर और बीकानेर के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें ये सिस्टम जैसे ही धीरे धीरे कमजोर होगा तो 7-8 अगस्त से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कमजोर होके आप देखेंगे कि राजस्थान के उत्तरी हिस्सों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और 8-9 अगस्त के बाद अभी जो कंडीशन है इसके हिसाब से सिस्टम धीरे धीरे और फिर से इंटेंस होगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बनने की संभावना है। तो इसका इसका जो असर रहेगा वो 8-9 अगस्त को एक बार फिर से खासकर राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं यानी कि जो उत्तर प्रदेश और इसके अलावा जो हरियाणा की तरफ लगने वाले जिले हैं, अलवर, इसके अलावा दौसा, भरतपुर, धौलपुर और जो जयपुर के भी जो उत्तरी भाग है इनमें एक और नया तेज बारिश और यूं कह सकते हैं कहीं कहीं भारी बारिश का जो दौर है वो 8-9 अगस्त से शुरू होगा जो 12-13 अगस्त के दौरान भी जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर अगले अगले 1 सप्ताह से 10 दिनों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी, कहीं कहीं भारी, कहीं कहीं वेरी हैवी रेन भी हो सकती है और मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा। तो ऐसे में आम जन और जो हमारे किसान भाई है खासकर उनको ये सलाह दी जाती है कि जो निचले इलाके हैं या कभी कभार ये देखा जाता है कि जो जो पुल वगैरह है उसमें कुछ इलाकों में पानी का भराव हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कृपया करके सावधानी रखें।